नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे को एक कमेंट आया, ब्लर कर दूंगा जिन्होंने भेजा था, पर उसमें उन्होंने लिखा था कि अंडर कैबिनेट बना ले। आपको क्या लगता है कि मैंने 4 इंच के स्पीकर की जगह जब 6 इंच स्पीकर इंस्टॉल कर सकता हूँ तो मैं ये छोटा काम नहीं कर सकता? चलिए, फिर भी बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन होगा कि आप कुछ और भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैंने वो कटिंग की आपको प्राइवेट दिखाया है, तो वो किस लिए था? जिनके नहीं समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपको बनवाना चाहें तो बहुत अच्छा बन सकता है, मैं उसके लिए आप सस्ते में भी बना सकते हो अगर आप कैपेबल हो करने के। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये सब वूफर है, ये 10 इंच का सब वूफर है। सीट सब वूफर में मैक्स टू मैक्स 8 इंच के सब वूफर आते हैं। अगर 10 या 12 इंच के आएंगे और कंपनी फिटेड आएंगे तो कंपनी वाले क्या करते हैं, जो इसका डीप होता है वो हमेशा कम रखते हैं। चूंकि ये ट्यूब कैबिनेट का सब वूफर है, इसलिए इन्होंने इसकी डीप ज्यादा बढ़ाई। अब सबसे पहले तो आप इसको नापें कि ये कितना ले रहा है चौड़ाई। अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत पतला MDF लगा है, 11.5 mm का लगा है, तो अगर आप बिल्कुल ये सेंटर से मिलाएंगे तो ये देखिए 11.1 के आसपास आ रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जब भी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और स्पीकर की बात मैं करें, स्पीकर 10 इंच का है, ये देखिए आपको दिख रहा है 10 इंच का। और 8 इंच से इसका जो कैबिनेट होता है वो बहुत बड़ा होता है, 8 इंच का लगभग इतना होता है। और इसका कैबिनेट, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे का आप निकाल देंगे तो ये करीब आ रहा है 1 फुट 10 इंच का कैबिनेट, जिसमें से आप ये 1/2 इंच दोनों साइड पे मिला के काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप होता है। तो जब भी अब अंडर सीट सब वूफर लगाते हैं तो इस सब वूफर की पोजीशनिंग ऐसे की बजाय ऐसी हो जाती है। तो जब ऐसी होती है तो इसका आपको डीप पता करना पड़ता है कि आखिर ये कितना डीप है। अब मैं इसे खोलना नहीं चाह रहा था, तो मैं डीप पता करने के लिए नॉर्मली क्या करूंगा कि ये डंडा देख रहे हैं ना, मैं इसे डालूंगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर हमारा सब वूफर का डीप कितना है। तो ये देखिए, ये मैंने डाला, ये लगभग इतना है। इसको मैं ऐसे रखूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आखिर कितना है। अब यहाँ पे इसका निशान आ रहा है, मैं यहाँ से आपका स्पीकर का लेंथ नाप लेता हूँ, थोड़ा सा और पीछे करेंगे तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5.5 साढ़े 5 इंच के आसपास आ रहा है, सिर्फ बेस टू बेस। इतना आप समझ जाइएगा कि ये जो इसका डीप है, अगर मैं कहीं पे लगाऊंगा तो ये 5.5 इंच सिर्फ यही यही कवर करेगा। और दूसरी चीज आप क्या ध्यान देंगे, आप देखिए वहां पे आपको एक होल पता चल रहा है, इस होल से हवा निकलती है, और जब हवा निकलती है तो उसको भी निकलने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से इसका डीप 5 के आसपास है, फिर उसके बाद जब मैं इसको थोड़ा सा गैप दूंगा, करीब 1 इंच तो गैप दूंगा ही, कि जिससे हवा वो बराबर इधर उधर हो आगे पीछे, नहीं तो अगर इसे चिपका दूंगा दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी शायद वो कॉयल को हवा देता हो तो वो फिर जल जाएगी। तो हल्का सा वो देंगे तो 5.25, गिनते रहिएगा, ये आपको समझने के लिए गिनते रहिए, 5.25 रहेगा वो। अगर मैं 1 इंच का जगह दूंगा तो 6.25 हो जाएगा। 6.25 के बाद, उसके बाद आप ये MDF देख रहे हैं तो ये देखिए 11 mm का है, ये भी 11 mm का है, ऊपर वूफर लगेगा, उसके बाद भी इसकी जो मोटाई है वो आएगी और इसकी भी मोटाई आएगी। ये 11 mm का MDF है, जो कि दोनों को मिला के अप्रोक्स 1 इंच के आसपास आते हैं। क्योंकि MDF मेरे पास कम था और ये 11 mm है, जो कि 7 सबवूफर में उतना अच्छा काम ना करे, जबकि इसमें भी 11 mm ही डला है। तो मैंने प्रिकॉशन के लिए, मैंने सोचा कि शायद कहीं खराब ना हो, उसके लिए मैंने क्या किया, ये प्लाईवुड मंगाया, ये 19 mm का है, कि मान लो वो इसे सह नहीं पाता तो ये कम से कम ये जो है इसे सह लेगा। देखिए MDF जो होता है हमेशा आपको साउंड बॉक्स में मिलेगा, ये चूरे को कंप्रेस करके बनाया जाता है, ये तो नॉर्मल लकड़ी से बनाया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है कि अगर आप MDF को बजाएंगे, देखिए आपको कोई साउंड नहीं आ रहा, यहीं पर इसको बजाएंगे तो प्लाईवुड की अलग साउंड होती है, इसलिए लोग MDF लगाते हैं। हमारे यहाँ पे MDF अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने, ये कमजोर होता इसलिए मैंने 11 mm की जगह 19 mm लिया, कि कम से कम इतना हो सके। और ये साउंड है, इसे बंद करने के लिए मैंने, अगर मेरा ये सेट होता है तो मैं फिर इसका यूज करूंगा, कि जिससे इसकी दीवारों पे चिपका दूंगा
जो ये साउंड खर खर की आती है, जो एक्स्ट्रा साउंड है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि ये दीवार से आएगी। ध्यान से देखेंगे तो ये चार पे मैंने किया, लगभग 1 इंच में 1 पॉइंट कम हो रहा है। ये 8 का 1 सेगमेंट होता है तो लगभग 1.5 के ऊपर आ रहा है। से समझेंगे, 1.25 का मेरा सब बूफर, उसके बाद 1 इंच का गैप, 1.25, उसके बाद मेरे में ये चाहे 11 mm लगाऊं चाहे वो लगाऊं, ये लगाऊंगा तो 1 इंच का बनेगा, वो लगाऊंगा तो 1.5 इंच का बनेगा। तो कितना होता है, 1.25 और 1.5 में लगाएंगे तो 7.5 या 7.75 या 7.775 या 7.75 ही जाएगा। अब चलिए कि अंडर सीट में कैसे करेंगे। सब बूफर का तो आपने नाप लिया कि कम से कम उसको 11 इंच चाहिए उसकी चौड़ाई, अगर कहीं पे भी लगाते हैं। ये हमारी सीट है, कुछ लोग कहेंगे इसके नीचे, कुछ लोग कहेंगे इसके नीचे, तो चलिए आज हमको आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी गहराई है और लगभग गहराई कितनी है, गहराई आ रही है आपको 8 इंच के करीब। ये क्यों मैं 8 इंच कह रहा हूँ, क्योंकि ये इसके नीचे पाइप लगी है, ये पाइप जो लगी है प्रॉब्लम करेंगी। उसके बाद 8 इंच है तो मैं स्पीकर को इधर नहीं लगा सकता। सोचते हैं कि अपन स्पीकर को ऐसे लगा दे, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अच्छा खासा भला चारों तरफ स्पेस है, यहाँ पे आपका सब बूफर ऐसे चकोर में लग सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपका जैक यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे आपको लगाना मुश्किल है। अगर लगाएंगे भी तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये गैप है, इधर तो लगना पॉसिबल नहीं है। दूसरी भी बात मैंने बता दी कि ये ऊपर से नीचे 8 इंच है और ये भी लगभग 8 इंच से कम ही है, ज्यादा नहीं है, 6 इंच या 8 इंच के करीब है। मैं आपको दिखा देता हूँ, टेंटर से लेंगे तो ये करीब आ रहा है 8.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे सेंटर रहेगा। क्या ऐसे आप सीधा सीधा लगाएंगे तो बूफर ऐसे भी 10 इंच आएगा, ऐसे भी 10 इंच आएगा, तो यहाँ पे लगाना पॉसिबल नहीं। अगर लगाऊंगा भी तो ये सीट ऊपर उठ जाएगी। इधर का सवाल और इधर का सवाल तो बिल्कुल खत्म हो गया। इधर तो बाई चांस इधर लगा भी सकते थे, पर ये है रखने का है तो यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि स्पीकर चौड़ा है, और इधर तो पूरा यहाँ से लेके पूरा वहां तक है, यहाँ तक इतना तो विश्वास है क्योंकि दोनों जगह पे सेंटर है। अगर आप इसे उतना इधर, जब इतनी जगह है तो इधर थोड़ी सी जगह है, इधर जब खिसकाएंगे तो भी लगभग हल्की सी ही जगह आएगी। कुल मिला के 10 इंच नहीं आ रहा है, उसके ऊपर आप कवर लगाएंगे तो 11 इंच के आसपास आ रहा है, तो बैठना ही बड़ा मुश्किल है। इधर पूरा टायर का गैप है, वही वो वहां से लेके यहाँ तक है, तो इधर तो आप सेट कर नहीं सकते। और अगर आप सोचें कि इधर पे हल्का सा गैप होता तो इधर स्पीकर बड़ा कर देते, पीछे कैबिनेट छोटा कर देते, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि आप देखिए, ये बिल्कुल इसके नीचे है तो यहाँ पे जगह ही नहीं होती। ऐसे ही सेम इधर साइड पे आप ये देखेंगे कि इधर साइड पे भी बिल्कुल इससे चिपकी हुई ये वाली सीट रहती है, तो यहाँ पे भी आप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा है कि आप बीच में लगाइए, मैं आगे वाली भी सीट का भी मैं आपको मेजरमेंट दूंगा, बीच में लगाइए। चलिए मैं बीच का बता, अभी देखिए आपको एक ये फ्रेम दिख रहा है, एक वो फ्रेम दिख रहा है। जब भी आप सीट को लगाएंगे तो ये देखिए, ये बाहर की ओर निकला रहेगा, तो ये जो सीट के बिल्कुल नीचे रहेगा, तो कभी भी आप कैबिनेट इसके नीचे से नहीं लगा सकते। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी डेप्थ नापते हैं, तो यहाँ से हमारी डेप्थ है, तो ये प्रॉक्स ये साफ करीब 6 इंच आ रहा है। से दिखाओ बेटू, 6 इंच देखिए, और वहीं पे इधर साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब, तो ये 5 इंच आ रहा है, 5 इंच के करीब, उससे भी कम आ रहा है। और जब भी ये सिटिंग बैठेगी तो करीब आपको 1/2 इंच छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्पीकर जो है वो दब जाएगा। तो आपने देखा इधर 5.5 इंच है और इधर अप्रोक्स 5 इंच के आसपास इसका डेप्थ है। अब देखिए कि आपको रिक्लाइन करके नीचे लाना पड़ेगा, तो रिक्लाइन करके आएगा तो 5 से आपको 5.5 से 6 के आसपास जाएगा। चलिए मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ कि मेरी सीट बिल्कुल नहीं दबेगी, क्योंकि एक साइड 6 इंच है, एक साइड 5 इंच है। हमने वहां पे क्या मेजर किया था कि 5.5 इंच आपका डीपर है, उसके बाद 1 इंच उसके हवा को निकलने के लिए हम देंगे, उसके बाद हमारा करीब 1 इंच और आएगा, तो 6.5 7.5 इस पे हम उसे लगा ही नहीं सकते। मैं कितना भी टाइट करूंगा 7.5 को मैं 7 कर लूंगा, 6 नहीं कर पाऊंगा, और जबरदस्ती कंप्रेस करूंगा कोई चीजें और काटूंगा तो फिर मेरा जो मैग्नेट है वो चिपक जाएगा पूरी बॉडी से,
वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद भी मैं अगर उसको खींच तान के 6 इंच पे भी लाए, जब इस पे कोई इंसान बैठेगा तो इसकी जो स्प्रिंग्स हैं ये पूरी की पूरी उस कैबिनेट को तोड़ देंगे, क्योंकि पूरा वजन सीधे कैबिनेट के ऊपर जाएगा। नहीं भी तोड़ेंगे तो कुछ दिन में वो सही ढंग से वो काम नहीं करेगा। इस टाइप से मेजर किया है। और आपको बता दूं, जो आगे वाली दोनों सीटें हैं उनमें तो आप कर ही नहीं सकते, उसमें मैक्स मैक्स 8 इंच बचता है, बहुत ज्यादा, वो भी टाइटली। मतलब 8 इंच अगर आप सीधा सीधा डालोगे तो जाएगा ही नहीं, 8 इंच का उसमें सवाल ही नहीं है। और कहीं पे भी 8 इंच आता है तो फिर आपका वूफर नहीं हो पाएगा। हाँ, इसमें हो जाता, क्योंकि आप ये ध्यान से देखिए, 1 फुट 2 इंच के आसपास है, 1 फुट 2 इंच मतलब करीब 14 इंच। तो जब 14 इंच है तो 14 इंच को तो हम ऐसे करके आराम से 10-11 इंच जो भी वो कटिंग मांगेगी तो वो हम कर सकते थे, और वो मैंने किया भी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये क्यों बचे, इस सीट का भी मैं आपको दिखा दूं। 10 इंच हो रहा है, इधर पे देखेंगे ये यहाँ पे 10 इंच के करीब हो रहा है। तो चलिए ऐसे ऐसे तो बिल्कुल फिक्स आएगा, लेकिन क्या ऐसे में ये 10 इंच आएगा? 8 इंच के करीब आ रहा है, क्योंकि ये आपका ये भी प्रॉब्लम करेगा, ये जो है लीवर, तो ये 8 इंच आ रहा है। अगर आप इसको पूरा लगा देंगे तो ये पूरा मुड़ जाएगा, ऐसा सीधा हो जाएगा, तो फिर आपकी ये जो सीट फ्री हो जाएगी। तो चलिए उसके लिए मैंने क्या किया कि इसे काटा, इसे 9 इंच है। जैसे ये 8 इंच का स्पीकर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 8 इंच का है, यहां से लेके यहां तक, तो इसका जो ब्रैकेट है ना ये इससे छोटा होगा। इसी तरीके से इसे जब मैंने बनाया था तो उससे छोटा है, लेकिन अगर आप फिटिंग करेंगे तो ये चीजें बाहर जाएंगी। इसे मैंने बनाया था, मैंने सब कर लिया, ये आप देखेंगे कि जैसा मैंने बताया था, उसकी चौड़ाई मैंने आपको नहीं बताई, तो चौड़ाई उसकी 28 इंच आती थी। ये देखिए मैंने 28 इंच का इसे काट लिया था, यहाँ पे भी मैंने, क्योंकि वो 14 इंच आ रही थी 1 फुट से ज्यादा, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, मैंने नाप लिया था। पर समस्या वही हो रही थी, जब मैं इसे ऐसे लगाऊंगा तो इसके बीच का गैप ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण से ये फिट नहीं हो रहा। बाकी बीच वाली सीट के अलावा इसे कहीं पे फिट नहीं कर सकते। और 8 इंच का वूफर है जो आप नॉर्मली होम थिएटर पे लगाते हैं, तो ये अगर आप लगाएंगे तो आपके में हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच के आसपास है, तो 6 इंच है, तो आप आराम से। और एक चीज प्रॉफिट था, इसमें गैप नहीं है, सब वूफर में यहाँ पे गैप रहता है, वो हवा निकालने के लिए रहता है। उस 10 इंच में 8 इंच में होता है कि नहीं होता, अगर ये नहीं हो गैप देते हैं, वो भी न देना पड़े। तो ऐसे अगर आपके पास हो तो वो अंडर सीट पे बहुत शानदार लग जाएगा, और सिर्फ चौड़ाई इससे आप 2 इंच और बढ़ा लो, बहुत अच्छी सेटिंग आएगी। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि 10 इंच मेरे पास सब वूफर था, बस इसकी जो डीपर है, डीपनेस है, वो उस प्रॉब्लम कर रहा था। ऐसे तो अपन लगा ही नहीं सकते कहीं पे भी, ना सीट के नीचे ना कहीं पे, मेरा बस यही कहना था। तो ऐसा करके मैंने सब कर लिया, कम से कम 5-6 दिन परेशान हुआ तो भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। जहां पे भी आपको ये 10-10 इंच दिख रहे हैं ना, 10 इंच फिट ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी रहेगी, बॉडी कम से कम 1.5 इंच बाहर जाएगी, वो प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद कैबिनेट आपका बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फिर ऐसे ही खुले में रख दो, थोड़ा बहुत कैबिनेट भी होना चाहिए। सिर्फ बुलेरो में अंडर सीट बीच वाली सीट पे आपको ये रखने का पॉसिबल हो पाएगा, उस पे भी सब वूफर आपका 8 इंच का होना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप 8 इंच यही बेस ट्यूब ही मंगा लो, आपकी हर सीट के नीचे आ जाए। इसके साथ यही प्रॉब्लम थी कि ये लंबा भी है चौड़ा भी है, तो कहीं पे फिटिंग आ ही नहीं रही। मैंने हर जगह कोशिश की, अगर ये 8 इंच होता ना तो मैं सीट के नीचे आराम से लगा सकता था, मेरे पास हर चीज अवेलेबल थी, पर नहीं लगवा पाया। और एक बात बता दूं आपको, ये प्लेट, आपको ये सब वूफर 8 इंच का आपको 1000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, ये प्लेट आपको पड़ जाएगी करीब 1200-1300 रुपए में, और ये कैबिनेट अगर आपको मंगाना है तो मंगा लीजिए, नहीं तो ऐसे ही मेरे जैसे प्लाईवुड मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो MDF आप 11 mm का ले लीजिए, उसे लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें भी आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये MDF है, बेस इसका 19 mm का है, वो भी MDF है, बट ये जो बैक है ना ये आपका प्लाईवुड का लगा हुआ, इसमें भी कॉस्ट कटिंग की गई। खैर फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, सस्ते के चक्कर में यही होता है, कुछ ऐसा लिखा था, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, आप साइड में कहीं पे भी देख सकते हो। भाई साहब सस्ता नहीं है, इसमें 2 क्वालिटी दे रहे थे, मैंने हैवी क्वालिटी मंगाई थी। और एक चीज सबसे बड़ी बात, पैसा चाहे 1 रुपये हो चाहे 1 लाख, सबकी इज्जत करनी चाहिए, जिसका जो बजट होगा वो वही लगाएगा,
सबके जैसा नहीं होता। जिसके पास अफोर्डेबल है तो 1.5 लाख का लगाएगा, जिसके पास अफोर्ड है वो 50,000 का म्यूजिक सिस्टम लगाएगा, जिसका अफोर्ड हो पाएगा तो वो 5-6 हज़ार 8 हज़ार का लगाएगा। और सबके म्यूजिक सिस्टम में गाने बजते हैं, किसी के में ज़्यादा क्लियर बजते हैं, किसी के में कम क्लियर बजते हैं, संतोष पे होता है। आपके अनुसार तो जो बड़े हैवी हैवी म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं उनके हिसाब से तो आपका पायनियर और JBL भी खराब है, वो भी सस्ता हो जाएगा। तो ये सब बेफिजूल की बातें होती हैं, दूसरे को बताइए। ईमानदारी से जब जो कमाता है ना उसको पता चलता है कि आखिर होता क्या है। इसके बाद भी उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे तो मैं उसे दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो मतलब अपनी ही कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, वो मैं नहीं बताऊँगा ना कमेंट दिखाऊँगा क्योंकि वो बहुत गलत है। उनके अनुसार अगर आप किसी गाँव में हो या आपके पहले से पूर्वज रहते हों तो आप अगर उस गांव से कहीं इधर उधर चले जाओगे तो फिर आप वहां के नहीं। मतलब मैं अपने गांव से किराए में कहीं दूसरी जगह रहने लग गया हूं तो मैं उस गांव का नहीं, इनके अनुसार ये कहना जो कि बहुत गलत है। और फिर हो गया छोड़ी, वो मैं दिखाना भी नहीं चाहता, आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनका पहला कमेंट बहुत अच्छा था तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अभी की बात बता रहा हूँ। तो अब मेरे को लग रहा है कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, तो बस इतना ही करना था। मैं वो दिखाऊंगा नहीं, और रिस्पेक्ट कीजिए कि मैं डाल दूँगा। अगर आप देख रहे हो तो अगर मैं डाल दूँगा ना तो आपको ऐसा नहीं बोलते। वही बात हुई कि अगर तुम घर का कोई बंदा बाहर चला जाए बोल दो कि नहीं नहीं तुम घर के हो ही नहीं, कितना बुरा लगेगा सामने वाले को। तो आपने पूरा तो अब आपने जो लिखा होगा तो आप जानते हो वो गलत बात मत करिए। हारना जीतने वाली बात नहीं होती कमेंट में, आप हारना जीतना ये कोई बात नहीं होती। कभी कभी मैं भी गलत होता हूँ, कभी कभी सामने वाला भी गलत होता है, उससे अच्छा होता है चुप हो जाता। जब आपने वो कमेंट लिखा तब मैं चुप हो गया, मैं फिर उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, वो गलत बात होती। अगर हारने जीतने की बात है तो आप ही जीते, चाहे आपने सही लिखा हो चाहे गलत लिखा, पर ये गलत बात है। आप किसी को आप अपना लेके सबको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो? कि आप कहीं बाहर गए हो, बाहर का कोई आपके ही गांव का कोई बंदा आपको कहे कि नहीं आप यहाँ के नहीं हो, कितना बुरा लगेगा। तो इस वीडियो में यही तक था, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये जरूरी था इसलिए मैंने बना दिया। लाइक सब्सक्राइब आप पे है, दूसरी वीडियो को देखिए तो फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, और जिन्होंने किया लाइक सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।